आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट टेक्निकल चार्ट सॉफ्टवेयर के बारे में। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पर हम बात करेंगे लगभग 9 साल पुरानी कंपनी ईसीजी ट्रेड के बारे में। इनका शेयर मार्केट में 16 साल का अनुभव है। इनके फाउंडर श्री दीपक यादव और श्याम पटेल हैं। आज हमारे लाइन पर जुड़ने वाले हैं श्याम पटेल। हम कुछ सवालों से जानने की कोशिश करेंगे कंपनी कैसे काम करती है। श्याम जी, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंस्पिरेशन कैसे मिली? सॉफ्टवेयर की इंस्पिरेशन, मैं एक ट्रेडर था और इतने साल से ट्रेड करते हुए कस्टमर से अलग अलग रिव्यू और बात करते हुए मैं ट्रेडिंग के साथ साथ टेक्निकल सीख गया। और टेक्निकल के बारे में जैसे जैसे नॉलेज आगे बढ़ता गया, तब पता चला कि टेक्निकल सॉफ्टवेयर की बहुत सारे कस्टमर्स को ज़रूरत है। तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर का एक बेसिक सा डेवलपमेंट किया और क्लाइंट से बात करके फीडबैक लेकर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते गए और अभी एक एडवांस और टेक्निकल परफेक्ट सॉफ्टवेयर जो है वो हमने अभी डेवलप किया है। आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या स्पेशलिटी है जो मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्टों से अलग है? सॉफ्टवेयर की स्पेशलिटी ऐसी है कि सॉफ्टवेयर में टेक्निकल जो इंडिकेटर है वो आप आसानी से समझ सकते हो। बहुत बार होता है टेक्निकल का नॉलेज एक कॉमन कस्टमर को होता नहीं है, एक छोटे कस्टमर को, नए ट्रेडर्स को, नए नए इन्वेस्टर को टेक्निकल क्या है, ये टेक्निकल वर्ड सुन के ही लोग डर जाते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है डरने जैसी कोई बात नहीं। सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो और इजीली रिजल्ट पा सकते हो कि एग्जैक्टली आपको बाय कहाँ करना चाहिए, सेल कहाँ करना चाहिए, टारगेट या स्टॉप लॉस या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे छोटी छोटी जो क्वेरीज है कस्टमर की उसके ऊपर हमने काम किया और सॉफ्टवेयर को अच्छा इम्प्रूव किया है। आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है? जैसे टेक्निकल में बहुत सारी टर्म्स होती है, तो टेक्निकल का रूल ये है कोई भी फॉर्मूला आप कंसिस्टेंटली यूज करो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस भी उस पर डिपेंड करता है कस्टमर के मेंटेलिटी पर। कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करते हुए जैसे जैसे कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करे, कस्टमर प्रोडक्ट को समझे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे तो सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। या फिर आधे में ही कस्टमर कुछ दिन वेट करो, सर ये चल नहीं रहा, इस प्रॉब्लम में कस्टमर फंस जाए और कस्टमर समझने की मेंटेलिटी में ना हो तो सॉफ्टवेयर आपको परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे सकता, क्योंकि ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर है। इसको आपको पहले थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको रिजल्ट अच्छे मिल पाएंगे। इतने सालों से काम करते हुए आपने अलग अलग ग्राहकों से बात की होगी, तो क्लाइंट का क्या क्या नजरिया है? क्लाइंट्स तो बहुत सारे हैं और हर क्लाइंट का अपना अपना ट्रेडिंग का नज़रिया है। और हमारे सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने बताया कि 5-6 अलग अलग इंडिकेटर है, तो हर कस्टमर एक अलग तरीके से ट्रेड करता है। तो क्लाइंट का फीडबैक ऑब्वियसली अच्छा है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर के बारे में भी हमने एक सॉफ्टवेयर मतलब इंडिकेटर बनाया है। सॉफ्टवेयर ट्रेडर के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी इंडिकेटर काम करता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए भी सॉफ्टवेयर काम करता है। तो इंडिकेटर जो है एक चेन है इंडिकेटर का, क्या हर कस्टमर के नीड के हिसाब से उसका एक इंडिकेटर अलग सा है। और जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है इसके लिए तो बेस्ट है ही, और उसके साथ साथ इंट्राडे ट्रेडर भी बहुत सेटिस्फाइड है। आपकी रिसर्च टीम और सपोर्ट टीम के बारे में कुछ बताइए। हमारा जो टीम है बहुत ही यंग और एनर्जेटिक टीम है। ये टीम आपको सपोर्ट के लिए सुबह 10 बजे से तो शाम को 7 बजे तक एक्टिव रहती है। तो ये टीम जो है, आपको सॉफ्टवेयर खरीदना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सर, सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे कस्टमर खरीदते हैं, बट उसकी बात जो है आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सपोर्ट में प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारे कंपनियां प्रोडक्ट भेज देती है और सपोर्ट नहीं देती है, और टेक्निकल ऐसी चीज़ है आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे या कस्टमर को समझाओगे नहीं तो वो प्रोडक्ट यूजलेस है। तो बट ऑब्वियस सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है उसके बारे में हम ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारे सपोर्ट के कुछ नंबर भी देते हैं, क्या वो सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके रिन्यूअल है या छोटी मोटी क्वेरीज है, चार्ट समझ में नहीं आ रहा है वगैरह, जो भी है ट्रेनिंग के पार्ट में भी हम उसको समझाते हैं और हमारा टीम भी उसको आगे भी सपोर्ट करता है। और सपोर्ट करेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारे कस्टमर से दूसरे कस्टमर भी
जुड़ जाएंगे, नए नए कस्टमर्स का रेफरेंस भी हमें मिलेगा, तो हमारी टीम बहुत ही सक्षम है सपोर्ट देने के लिए। कंपनी क्वालिटी और इनोवेशन पर क्या काम कर रही है और आप कैसे इस कार्य को पूरा करते हैं? जर्नी तो बहुत लंबा रहा, लगभग मुझे अभी 16 साल हो चुके हैं शायद, हाँ 16 साल हो गए हैं मार्केट में ट्रेड करते हुए। तो 16 साल में धीरे धीरे कस्टमर का सपोर्ट मुझे मिलता गया और ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। कस्टमर के फीडबैक हम लेते गए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते गए, और एक सिंपल सा हम लोकल लेवल पे हम सॉफ्टवेयर सेल करते थे पहले, और वहाँ से हमने न्यूज़पेपर में ऐड देना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से क्लाइंट्स आने लगे, उसके बाद हम अलग अलग मार्केटिंग मीडियाज़ के थ्रू अभी ऐड करते हैं और कस्टमर को ज्वाइन करवाते हैं। अब कस्टमर ज्वाइन होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और कस्टमर ज्वाइन होने के बाद जो है सर्विस सपोर्ट के दम पर हम कंपनी को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और कंपनी कब बढ़ेगी? जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। तो सिंपल सी बात है, जर्नी में हमारा जो मेजर रोल है ये सपोर्ट एंड सर्विस के साथ साथ टेक्निकल को सिखाना है। शेयर मार्केट में आपका इतना लंबा तजुर्बा है, तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नया कस्टमर हो या पुराना कस्टमर हो, कोई भी टाइप का ट्रेडर हो, उस ट्रेडर ने एक नया जर्नी स्टार्ट करना चाहिए सॉफ्टवेयर के साथ और टेक्निकल के साथ। बहुत बार हमने देखा है कस्टमर बहुत सारा लॉस कर देते हैं मार्केट में पहले। अब लॉस होने के बाद पहले तो उनका मेंटेलिटी ठीक होता नहीं है और उनका माइंडसेट नेगेटिव होता है, तो उस माइंडसेट से कस्टमर को एक टेक्निकल की तरफ झुकाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं हर कस्टमर को बोलूँगा कि एक नए ट्रेडर को बोलूँगा कि आप नए ट्रेडर ट्रेडिंग सीखने के साथ साथ आप पहले टेक्निकल सीखिए, पहले आप मार्केट का स्टडी कीजिए। मार्केट में आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आप मत आइए, आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, क्योंकि जैसे आप देखो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो पढ़ने के लिए 2-2 3 3 साल लगाते हैं डिग्री के लिए, तो ये शेयर मार्केट भी एक डिग्री एक समझ लीजिए। आप इसके पहले कम से कम 1 महीना 2 महीना पेपर ट्रेड करके स्टडी कीजिए, टेक्निकल को सीखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसमें क्या प्रॉफिट लॉस होता है उसको समझिए, मार्केट के ट्रूज और कॉन्स को समझिए कि ओवरऑल कहाँ पे हमें रुकना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसको हम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कितने स्पीड में कर सकते हैं। आप जितना रिस्क लेंगे मार्केट उतना आपको रिटर्न देगा, तो आपको रिस्क कम चाहिए और रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो हमें पहले स्टडी करनी होगी, और स्टडी के अंदर टेक्निकल टूल का बहुत अहम हिस्सा है।